पिछले कुछ सालों में हमारी सरकार ने एक के बाद एक स्टैचू पर पैसे बर्बाद किए हैं। कहीं 3,000 करोड़ का स्टैचू, कहीं 4,000 करोड़ का स्टैचू, पता नहीं कितने और स्टैचू ये प्लान कर रहे हैं, सारे हमारे टैक्स के पैसों से। तो एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या एक ऐसा स्टैचू बनाया जा सकता है जो एक अच्छी टूरिस्ट अट्रैक्शन हो हम लोगों के लिए और हमारे टैक्स के पैसे की बर्बादी ना की जाए। आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में दोस्तों आप इसका सोल्यूशन देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं यहाँ आया हूँ कोलम केरला में और मेरे पीछे है दुनिया का लार्जेस्ट बर्ड स्टैचू, जटायु स्टैचू। इस स्टैचू में बहुत खास बात है, बाकी किसी नॉर्मल स्टैचू से कंपेयर करेंगे तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो एंट्री टिकट मिल गई है दोस्तों, अंदर चल के केबल कार में चलते हैं, यहां से इसका एंट्री डोर है। सबसे पहली खास बात यह है कि ये पूरा स्टैचू और इसके आसपास का एरिया 100% प्राइवेटली फंडेड है, यानी आपके टैक्स के पैसे का एक पैसा भी इस्तेमाल नहीं किया गया, सरकारी पैसे का इस्तेमाल नहीं किया गया। और इस पूरे एरिया की जो कॉस्ट है ना, जो आप पीछे देख सकते हैं, पूरा जंगल उगा रखा है इन्होंने, केबल कार से ऊपर आते हैं, ये स्टैचू है, फिर वहां पे एक मंदिर है, एक एडवेंचर पार्क है, इसकी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 100 करोड़ रुपीज है। सोचकर देखिए कितने सही तरीके से इस पैसे का इस्तेमाल किया गया कि इतनी कम कॉस्ट में यहां पर इतना सब क्रिएट कर पाए। दूसरी खास बात है स्टैचू की, इसका डिजाइन और इसकी यूनिकनेस। आप इसे पीछे देख सकते हैं, यहां पर शायद ही पूरे इंडिया में या फिर पूरी दुनिया में कहीं इस स्टाइल का स्टैचू बना हुआ आपने कहीं देखा होगा। इस स्टैचू के कलर्स भी चेंज होते हैं, जैसे सन नीचे जाता है, सन ऊपर जाता है, सनसेट पे स्टैचू और रेड कलर का दिखने लगता है, अभी क्लाउडी है तो अभी थोड़ा ग्रे कलर का दिखने लग रहा है। दोस्तों मेरे साथ मौजूद है राजीव अंचल जी, वो इंसान जिन्होंने इन स्टैचू को, इस स्कल्पचर को बनाया है, डिज़ाइन किया है। तो राजीव अंचल जी, आई टॉक इन इंग्लिश, सो आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट द डिज़ाइन ऑफ द स्टैचू। व्हाट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड द होल डिज़ाइन? सी द जडायु स्टैचू, यू कॉल इट स्टैचू, आई कॉल इट स्कल्पचर। आई लर्न स्कल्पचर फ्रॉम कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स Trivandrum. Then I started my career as an art director in movies. Then I turned as a director. Still I was doing sculptures. Then I got an opportunity to participate a competition of Kerala Tourism. Ecotourism project that I won. You won the competition too. Yes. And you, this was your design. This was my design. 12 years back. 12 years back. Yeah. Okay. स्टैचू के अंदर का पार्ट अभी तक तैयार नहीं हुआ है, अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रही है, फरवरी 2020 में खत्म होगा और जब ये खत्म हो जाएगा अब स्टैचू की आंख तक जा सकते हैं। इसकी एक आंख से आपको सनराइज दिखेगा और दूसरी आंख से सनसेट दिखेगा। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत बीच बीच में बारिश तेज हो जाती है जिसकी वजह से फिल्मिंग करना मुश्किल होता है, लेकिन आप देख सकते हैं ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का बहुत अच्छा है, जैसे ही बारिश होती है पानी फ्लो करके चले जाता है नीचे। नॉर्मली स्टैचूज को बनाने के लिए जंगलों को काटा जाता है, पेड़ों को हटाया जाता है, लेकिन इस स्टैचू को बनाने के लिए दोस्तों एक जंगल बनाया गया। ये जिस जगह पर स्टैचू बना है, इस पूरे एरिया में पहले बंजर जमीन हुआ करती थी, कोई पेड़ नहीं थे इतने सारे,
बहुत सारे लाखों पेड़ यहाँ पर प्लांट किए गए, एक फॉरेस्ट बनाया गया। तो ये जो साइट है ये एक इको टूरिज्म की साइट है। I think Manu told me that it was not enough trees around here. Yeah, no, not at all. Not at all. Only the wild grass. Because of the grass, no trees were there. Mm-hmm. Because not only that, because there is no water. Mm. Only the raining season we get some water. Mm-hmm. So now we are keeping that water, mm-hmm. preserving that water. Through some water bodies, mm-hmm. like rainwater harvesting. There's a rainwater harvesting. Like that 15 lakhs liters of water capacity, okay. mm-hmm. and 30 feet depth. Yeah. Mm-hmm. Then I have a few mm-hmm. ideas connected with nature. Mm-hmm. So we have some beautiful caves, mm-hmm. natural caves. Mm-hmm. So I converted nicely, in not mm-hmm. Destroying, mm-hmm. not the destroyed, in a natural way. Yeah. It is a healing centers, okay. traditional okay. healing centers. Mm-hmm. Is it already open? It is not professionally, mm-hmm. Officially open. Mm-hmm. Partially it is mm-hmm. going okay. on. जमीन से 1000 feet ऊपर यहाँ पर एक मंदिर है जो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूरा नहीं हुआ है। और यहाँ पर माना जाता है कि भगवान राम के फुटप्रिंट्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। I was a fan of Jadayu even otherwise also. Mm-hmm. Jadayu did a wonderful thing. Mm-hmm. Now the trying to save Sita. Yeah, that yeah. means it's a relevant subject. Yeah. You know. For so women, that's why you call it like for dedicated to women safety and honor. Yeah, dedicated to women safety. It's a sculpture, yeah. this art form. ये एडवेंचर पार्क है दोस्तों, यहाँ पर 15 अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि जिप लाइन हो गया, रैपलिंग हो गया आपका, और आर्चरी शूटिंग हो गया, और मैं जो करने जा रहा हूँ, मैं कुछ नया ट्राई करता हूँ, ये आज तक मैंने कभी किया नहीं है। इसका नाम है लॉग वॉक। तो चलिए चल के देखते हैं कैसे काम करता है ये। ओके। ये चीज़ बहुत मुश्किल लगती है मुझे, तो मैं वापस आ जाता हूँ, क्योंकि बारिश की वजह से गीला भी हो रहा है और मुझसे किया भी नहीं जा रहा। जो पीछे आप पुराना सा कैसल देख रहे हैं दोस्तों, ये एक्चुअली में कोई कैसल वैसल नहीं है, ये पेंट बॉल के लिए एक एरिया बना रखा है। यहाँ पे ऐसी सेटिंग दे रखी है कि देखो जैसे पुराना कोई टेम्पल हो, एंशियंट रूइंस हो यहाँ पर। Upside down is a painful thing. Hmm. You know, even we are fighting two wrestlers or some boxers, or mm-hmm. then falling upside down is a pathetic thing. Yeah, yeah. So if it is sidewise or some other pose, it will not. I can't express that. Okay. The pain. Yeah, yeah. So that's why so many sketches I did, and mm-hmm. then I finalized. तो ये वीडियो एक लेसन है दोस्तों हमारी सारी सरकारों के लिए, कि किस तरह से स्टैचूज को बनाना है, टूरिस्ट अट्रैक्शंस को बनाना है,
जिसमें टैक्स का पैसा भी खर्च ना हो, दिखने में भी अच्छे हो, यूनिक हो, कुछ लोगों को नया ऑफर किया जा रहा हो यहाँ पर, और एक ज़बरदस्त टूरिस्ट अट्रैक्शन बने। तो पसंद आया दोस्तों तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।